देश में जल जंगल और जमीन से जुड़े आदिवासी समुदाय का एक बड़ा इतिहास रहा है और साहित्यिक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से और कविताओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है कविताएं एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने भाव विचार को व्यक्त कर सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं नमस्कार मैं सोनिका धड़वाल वागधारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है वागधारा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी में साहित्यिक कविताएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कवि अजय जी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें क्यों हिंदी में कविताएं लिखने का इतना शौक है अजय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आप कवि हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी जैसे कि हमने आज बात की है हिंदी में आदिवासी कविताएं तो आपका जो कविताओं के विषय में जब जा आया कि आपको कविताएं लिखनी है या आपका शौक जब जागा तो उस समय क्या था आपका कितनी उम्र से और क्या कहेंगे माइंड कब बना आपका कविताएं लिखने का धन्यवाद सबसे पहले मैं दूरदर्शन का आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे मुझ जैसे एक अदनाश आदमी को यहाँ पर कविता पर बात करने के लिए बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो सवाल है इसके लिए मुझे थोड़ी सी कहानी एक बतानी पड़ेगी पूरी एक प्रक्रिया है कि किसी एक छोटी घटना से ये नहीं हुआ मुझे लगता है कि पूरी प्रक्रिया रही होगी कि कविता की तरफ मैं कैसे यही सवाल था ना आपका जी कि कविता की तरफ मेरा झुकाव कैसे बना जी तो मेरा लेखन की तरफ झुकाव था मैं इंट्रोवर्ट आदमी था ए, शाही और रिजर्व और शर्मिला लड़का था बचपन में बहुत और लेखन की तरफ मेरा झुकाव बना वो भी खैर बाद में बना होगा बचपन में मैं शायद पेंटर बनना चाहता था मेरे नाना जी पेंटर थे तो मैं ननिहाल में ही पला हूँ तो उनको देखकर मुझे लगता था कि मैं उन मुझे उनकी तरह ही मैं उनकी पर्सनैलिटी से उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहता था मैं उनकी तरह ही कोई पेंटर बनूँगा बहुत सौम्य और सॉफ्ट मितभाषी और लेकिन बहुत सुंदर पेंटिंग करते थे बुद्धिस्ट था पेंटिंग जो करते थे हम में देखते हो आप वो चीज़ें तो मेरा वो था लेकिन वो सब चीज़ें बाद में हुई नहीं वो बातचीत के दौरान आएंगी बाहर क्यों नहीं बन पाई वो सारी चीज़ें आकांक्षाएँ तो करते करते मैं कैसे कवि बन गया बड़ी शानदार कहानी है लेकिन जो मेन रीज़न रहा वो मेरा इंट्रोवर्टनेस था मेरा अंतर्मुखीपन था मैं शायद मैं कह नहीं पाता था बोल नहीं पाता था इसलिए मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया वो लेखन की एक शुरुआत थी मैं डायरियाँ लिखता था और स्कूल टाइम में तो पत्र लिखता था उन दिनों पत्रों का बड़ा चलन था पत्र मैंने बहुत लिखे का आपने जो है जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे तो एक कविता एक कलम कहें एक कलम एक ऐसा माध्यम रहा जिससे आप अपने विचारों को जो है आपने व्यक्त करना शुरू किया और धीरे धीरे और आकर्षण को अगर हम कविताओं के लेखन और आकर्षण की बात करें तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी हाँ वही मैं स्टोरी शायद वही बताना चाह रहा था शुरुआत मैंने कर दी है आकर्षण शायद इसलिए भी रहा होगा पिताजी पढ़ने के शौकीन थे पत्रिकाएं आती थी घर में वहाँ देख कर के आकर्षण बना होगा मुझे याद है उन दिनों सोवियत यूनियन की पत्रिकाएं मुफ्त में आती थी या कम रेट पर आती थी सब्सक्राइब किया था पिताजी ने और बहुत ग्लॉसी पेपर अच्छी प्रिंटिंग और कलर्ड आते थे सोवियत भूमि सोवियत नारी सोवियत संघ ऐसी पत्रिकाएँ कलर्ड मैगजींस आती थी और उसमें बहुत सुंदर कहानियाँ होती थी रशिया की ने, टस्टाए इस तरह की गौर की, तो वो पत्रिकाएं और उसके अलावा हिंदी के जो पत्रिकाएं होती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग बाद में दिनवान आने लगा और नवनीत वगैरह नवनीत और जो दूसरी पत्रिकाएं, जो घरेलू पत्रिकाएं होती थी वो तो रेगुलर आती थी तो पिताजी को पढ़ने का शौक़ था तो वो भी लाहौल स्पीति के है, हम हैं और वहीं पर पिताजी टीचर थे स्कूल में तो बहुत नियमित पहुंचती नहीं थी चीज़ें बहुत कट ऑफ एरिया था आपको पता था उन दिनों तो मैं ये एटीज़ से उन्नीस से पहले की बात कर रहा हूँ उन्नीस सौ पैंसठ की मेरी पैदाइश है और सत्तर में मैं पहले कक्षा में गया होऊंगा तो तो कट ऑफ एरिया था बहुत ज़्यादा जब कुल्लू आना होता था साल में दो तीन बार तब वो ज़रूरी राशन के साथ कुछ पत्रिकाएं भी आ जाती थी और उसके अलावा जो सब्सक्राइब की हुई चीज़ें

पढ़ करके ही टाइम पास करना होता था मैं खेल नहीं सकता था इंट्रोवर्ट था भीड़ भाड़ से मुझे थोड़ी घबराहट होती थी बाकी सिबलिंग्स मेरे भाई बहन खेलने जाते थे मैं बहुत कम जा पाता था खेलने मैं डरता था शर्माता था तो उस समय मैं पढ़कर बिताता था और उस तरफ मेरा उस वजह से जब पढ़ता था तो नेचुरली वो आ जाता है मैंने मैं सोचा तो नहीं कि लेखक बनूंगा लेकिन नेचुरली लिखने का भी वो कुछ एक शौर और एक चस्का एक, एक रस आ जाता है लिखने में सर बात करें हम आपकी पहली कविता की अगर मैं बात करूँ जब आपने कविता लिखी तो दिमाग में उस समय क्या था और क्या कविता लिखी चाहे अगर अगर आपको याद है तो मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शकों हाँ, को याद है मुझे लेकिन पहली कविता तो याद नहीं है पहली कविता जो पब्लिश हुई वो याद है और उसकी बड़ी लंबी कहानी है लंबी तो कहानी थोड़ी सी है। वो कहानी भी सुनना हाँ। चाहेंगे और वो कविता भी हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे हाँ वो कविता मुझे अभी अवेलेबल नहीं है मेरे किसी भी संग्रह में वो आ नहीं पाई वो, वो पब्लिश हुई थी मैं वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ पब्लिश हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं हिंदी में एम कर रहा था तो मेरे गुरु सतपाल सहगल हिंदी के अच्छे कवि है वो मुझे पढ़ाते थे और मेरे ही हॉस्टल में रहते थे अभी एडहॉक उन दिनों एडहक बोलते थे एडहॉक रीडर थे वो रीडर लगते थे शायद शुरू में और बाद में लेक्चरर या कुछ प्रोफेसर ऐसे कुछ बनता था उन दिनों कुछ इस तरह का सिस्टम था तो जिस हॉस्टल में मैं, मैं एम ए कर रहा था वहीं पर वो पी एच डी वगैरह करके एडहॉक टीचर लगे थे पी यू कैंपस में ही तो आधुनिक हिंदी कविता वही पढ़ाते थे उनका एक दिन आना हुआ मैस वो तो फर्स्ट ब्लॉक में थे मैं लास्ट मैस के साथ जो ब्लॉक होता था पांच ब्लॉक्स होते थे मुझे पूरा याद है मैस के साथ मेरा रूम बिल्कुल लगता हुआ था तो शिमला का ही लड़का था एक रवि दत्त करके वो बाद में पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ अफसर एस पी तक चला गया होगा एस पी बल्कि यहाँ डी आई जी वगैरह भी बन गया होगा मुझे मालूम नहीं मिला नहीं उससे वो और सैगल साहब चाय पी के आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये लाहौल का लड़का इधर अजय ये लिखता है तो अच्छा लिखता है तो चलो देखें उसके पास मिलते हैं मैं हॉस्टल टू में अपने फ्रेंड के पास गया था कमरा पीछे पिछ, वाला कमरा खुला छोड़ के <laughs> वो लोग उसमें घुस गए उन्होंने चाय मंगाई और मैं नहीं था हम... तो मेरी डायरिया होती थी वहाँ पे शुरू कर दी <laughs> और वो वो एक्साइटेड थे रवि तो ज्यादा नहीं सैगल साहब कि अरे ये तो डायरी लिखी हुई इसने और ये कविताओं जैसी है जब मैं आया तो पहले तो मैं नाराज़ हुआ उन पर रवि पर ज़्यादा नाराज़ हुआ टीचर सर पे नहीं हो टीचर पर तो नहीं सर को मैं क्या कहता ज़्यादा मैंने रवि को कहा यार क्यों लेके आ गया तू तो इनको क्या डायरियाँ क्यों पढ़ रहे हो तो उसने भाप लिया सर ने बोला अजय बैठ बैठ तो यार बोलता तो है नहीं क्लास में पर ये लिखता बहुत अच्छा है और ये पता है तेरे को ये ये कविताएँ है ये लगभग कविताओं जैसी कविताएँ लिख रहे हो तुम तुमको कवि बनना है क्या यार नहीं नहीं सर कवि क्या अच्छा बोला कुछ नहीं इसमें से कुछ चीज़ें मैं पढ़ के मैं छांट के कैंपस रि, रिपोर्टर निकलती थी वो मैगज़ीन कैंपस की उसमें दे दूँ क्या तुम्हारे नाम से जाएगा तो मैंने कहा सोचा मजाक कर रहे होंगे तो मैंने कहा ठीक है सर छांट चा, लीजिए तो उन्होंने दो तीन कविताएँ छांटी और संपादक मंडल जो भी था वो खुद भी मेंबर थे देखा तो उन्होंने पसंद किया और वो छप भी गई उसमें हाँ वो कविता मेरी पहली छपी थी लेकिन मैं इसमें यह बताना चाहूँगा कि कविता तब भी मेरे मन में नहीं था मैंने वो डायरी करके लिखी थी वो डायरी के पार्ट ही थे हाँ वो कोई कवि छंदवत कविता तो उस पर तो मैं हँसता था मैं उनका मजाक उड़ाता था कि ये क्या छंद में कविताएं लिखते हैं हम मजाक उड़ाते थे उनका तो लेकिन हम मुझे इस बात का इल्हाम ज़रूर था कि जो है छंद मुक्त भी कविताएं लिखी जा रही है फ्री वर्स है। की कविताएं यूरोप में तो फ्री वर्स की ही लिखी जा रही है हमारे भी अच्छे जो पोइट्स हैं मुक्ति बोध है केदारनाथ सिंह है अज्ञे हैं छंद मुक्त में ही लिखते हैं निराला ने भी छंद में आना शुरू कर दिया था उतना मैं क्योंकि हिंदी पढ़ रहा था तो वो चीज़ पता था मुझे तो वो एक कविता उसके कुछ पार्ट मुझे वो बाद में मैंने सैगल साहब को फ़ोन करके बहुत कहा बहुत आग्रह किया कि वो निकल सकता क्या अंक मिल सकता है वो नहीं मिला उनको इतना बड़ा होगा हो गया लेकिन उसका प्रारंभिक वो बिंब मुझे कुछ याद है मैं कोशिश करता हूँ करने की वो छो, छोटा सा टुकड़ा आरंभ वाला पहला बंद मुझे याद है खड़ी दीवार के मोन धब्बे क्रमशः बाचाल हुए पास आ लगी साथ लगी जीर्ण रमणी का उलझी का संसर्ग पा लगा धब्बों ने कुछ कहा कुछ अपना कुछ शरणागत का आगे मुझे नेक्स्ट फिनिश नहीं, याद नहीं, नहीं आ रहा ये कविता थी।, थी वो मुझे अब याद है लेकिन इसको मैं अभी भी मैं कोशिश करता एफोर्ट करता हूँ कि इसको मैं कंप्लीट करूंगा करूं। आ, बिना वो डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की सर कहते हैं कि जब आपको जब आपने लिखना शुरू किया जब आपने कविताएं लिखना शुरू किया तो कई बार आपको इंटरेस्ट होता है कई आप कविताएं पढ़ते हैं और कई कवियों से जो है आप बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कौन से कवि से ऐसे प्रेरित थे जिनसे कि आपने जो है वो कविता उस तरह से कर, उनको पढ़ना शुरू किया उनसे कुछ सीखना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी कलम से वो कविताएँ लिखना शुरू किया जी हाँ वो कवि थे कुमार विकल चंडीगढ़ में ही पब्लिकेशन ब्यूरो में नौकरी करते थे साधारण नौकरी मेरी तरह छोटी मोटी नौकरी कोई टीचिंग एकेडमिक्स में नहीं थे कुछ क्लैरिकल उनका जॉब था छोटा मोटा तो बड़े मस्त से रहते थे वैसे भी देखा हमने उनको एज ए कवि नहीं देखा हम पीजीआई की तरफ रात को परौंठे खाने चलते थे वो उनकी रेहड़ियाँ लगती थी परौंठे और चाय वालों की डिनर के बाद पढ़ाई से थक के हम दोबारा एक बार एक बार परोठा खा लेते थे तो उधर जाते थे तो उधर अक्सर मिलते थे वो वो नशे की हालत में होते थे और बाल बुल उनके उलझे होते थे है ना ढीली सी पैंट और वो शॉर्टी सर जैकेट सर्दियों के मौसम में धुंध के बीच में वो ठीक तो मैं अट्रैक्ट करता था कुछ उनकी कोई कविता हाँ, याद है आपको कविता मुझे याद नहीं है वो इंसिडेंस याद है कि जहाँ मुझे लगा कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ वो बहुत इमोशनल मामला था नामवर सिंह आप जानते होंगे बड़े आलोचक थे हिंदी के जिन्होंने पूरी हिंदी आलोचना की का पूरा पैराडाइम चेंज लाया पूरा बदलाव लाया एक नया पाठ शुरू किया हिंदी आलोचना में उनका लेक्चर था गेस्ट लेक्चर कविता पर नहीं था उपन्यास पर था भारतीय उपन्यास पर तो वो नामवर सिंह वाचिक परंपरा के आदमी थे लंबा बोलते थे और साढ़े तीन घंटे का मुझे याद है साढ़े तीन घंटे का लेक्चर था उनका तो भारतीय उपन्यास पर बोलते उन्होंने उड़िया के एक फ़कीर मोहन सेनापति एक उड़िया के बड़े उपन्यासकार हुए हैं तो उनका उपन्यास नामवर सिंह जी की मान्यता के अनुसार वो पहला उपन्यास था भारतीय किसी भी भारतीय भाषा में लिखा गया उड़िया भाषा का छमान आठ कुंठ तो उस पर बहुत ही मज़ेदार लेक्चर था जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो ऑडिटोरियम था वो पैक था फुल तो रेफरेंस में बीच में उन्होंने कहा कि छोटी जगह से छोटा आदमी भी कविता लिख सकता है तो जैसे कि यहीं आपके अपने कुमार विकल हैं तो कुमार विकल वहाँ भीड़ में थे वो खड़े हो गए हमने कहा ये तो वही आदमी है जो पराठे पराठे खाते वक्त तो उन्होंने नामवर जी ने कोट किया उनकी कविताएं तो थोड़ा सा मिस कोट हो गया वो गलत उन्होंने खड़े होके उसको करेक्ट किया पूरी कविता छोटी सी कविता थी पूरी पूरी उसको पूरी बताई ठीक तो एक छोटी सी लड़ाई में लड़ता हूँ इस तरह से वो कविता और इतना इमोशनल हो गया कि वो आंसू आने लगे जो है वो बरस गए स्पॉट पे स्पॉट पे ही, पे ही। मुझे लगा देखो इतना इंटेंसली इतना डूब डूब करके कोई कविता लिख सकता है तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है तो मैं भी कवि बन सकता हूँ क्योंकि

थोड़ा सा मैं यही जाना चाहूंगी कि कोई अच्छा आ, आपके पास में थोड़ी सी कि, किताबें देख रही हूँ और हाँ। बहुत सारी हैं उनमें से मैं चाहती हूँ कि जो आप एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं थोड़ी सी कविता हमारे दर्शकों को सुना दीजिए हाँ, जरूर मैं अपनी कविता सुनाऊ जी जरूर सुनाऊंगा कि आप एक नि कविता लिखते हैं आपने जो आप इंसिडेंट सुनाया वो मैं चाहती हूँ कि कविता सुना दीजिए हाँ कविता विधा चुनने का तो मेरा वही था गद्य लिखता था गद्य में से गुरुजी ने उसमें से कविता, कविता निकाली तो मुझे वो एहसास हुआ कि ये इम्पोर्टेंट कविता है तो उधर फिर रुझान मेरा बन गया तो ये कविता मैं सुना रहा हूँ ये कविता मुख्य धारा हिंदी की मुख्य धारा में पहली पत्रिका जो थी वसुधा नाम की जबलपुर से निकलती है थी जबलपुर या भोपाल से वसुधा उसमें छपी थी और इस कविता से मेरी पहचान बनी थी हिंदी के पूरे हिंदी बेल्ट में मुझे जानने लगे थे कि ये कौन लड़का है जी। लिख रहा है जो हिमाचल का बियोंस की टहनिया ये समर्पित है मेरी आदिवासी बहनों के लिए आदिवासी स्त्रियों पर ये कविता है हम बियोंस की टहनिया हैं दराटों से काट छाँट कर सुंदर गठरों में बांध कर हम मुढ़ेरों पर सजा दी गई हैं खोल कर बिछा दी जाएंगी बुरे वक्त में हम छील दी जाएंगी चारे की तरह जानवरों के पेट की आग बुझाएंगी हम ब्योस की टहनियाँ हैं छिल कर सूख कर हम और भी सुंदर गठरों में बंध जाएंगी नए मुडेरों पर सज जाएंगी तोड़कर झोंक दी जाएंगी चूल्हों में बुरे वक्त में ईंधन की तरह हम जलेंगी आदमी का जिस्म गरमाएंगी हम ब्योश की टहनियाँ हैं रोप दी गई रूखे पहाड़ों पर छोड़ दी गई बेरहम हवाओं के सुपुर्द काली पड़ जाती है हमारी त्वचा ख़त्म ना होने वाली सर्दियों में मूर्छित खड़ी रह जाती हैं हम अर्ध निद्रा में मौसम खुलते ही हम चूस लेती हैं पत्थरों से जल्दी जल्दी खनिज और पानी अब क्या बताएं कैसा लगता है सब कुछ झेलते हुए ज़िंदा रह जाना इस तरह से सिर्फ इसलिए कि हम अपने कंधों पर और टहनियाँ ढो सकें ताज़ी कोमल हरी हरी कि वे भी काटी जा सकें बड़ी होकर खुरदुरी होने से पहले छील कर सुखाई जा सकें जलाई जा सकें या फिर गाड़ दी जा सकें किसी रूखे पहाड़ पर हमारी ही तरह हम भी टहनियाँ हैं जितना चाहो दबाओ झुकती ही जाएंगी जैसा चाहो लचकाओ लहराती रहेंगी जब तक हम में लोच है और जब सूख जाएंगी कड़क कर टूट जाएंगी बहुत ही खूबसूरत कविता आपने जो है वो लिखी है बहुत ही खूबसूरत है ये कविता Thank you. जी। सर आ, बात करें जैसे कि आदिवासी विमर्श में आपकी रुचि कब हुई कि आपने जब लिखना शुरू किया आपकी कविताएं हैं जैसे हमारा विषय है हिंदी में आदिवासी कविताएं तो उसमें आपका रुचि कैसे हुई आपकी ठीक से मैं याद नहीं कर पाऊंगा कैसे कैसे ये कॉन्शसली मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट डेट कब होगा लेकिन मुझे एक चीज़ याद है उन्नीस सौ के आसपास तिरानवे चौरानवे मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है केलंग में लाइब्रेरी बहुत अच्छी है वहाँ पर जहाँ पे मैं हाँ वो पचानवे छानवे की बात होगी पचानवे छानवे की बात होगी पचानवे में मैं नौकरी लगा था तो मैं उस लाइब्रेरी को रेगुलर यूज़ करता था दो तीन ही लोग होते थे वहाँ उस लाइब्रेरी में जाने वाले तो वहाँ पर मैंने एक छानवे की बात होगी नाइन्टी सिक्स में एक कंपेंडियम देखा इंडिजिनस कन्वेंशन का इंडिजिन कन्वेंशन ऑफ इंडिजिनस पीपल विश्व मूल निवासी दिवस मनाया गया एक यूएन की तरफ से तो उसका एक कंपेंडियम था इतना मोटा तो उसकी पूरी देख रेख करते प्रोफेसर रामदयाल मुंडा जो आदिवासी विमर्श के काफ़ी यहाँ पर भारत के प्रणेता है तो वो किताब मेरे हाथ में लगी तो उसका जो कंटेंट था तो मुझे शायद वो बार बार आकर के वो पढ़ना पड़ रहा था आ, मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पर ये मुझे अपील कर रहा है पता नहीं क्यों अपील कर रहा है तो मैंने उस किताब में से समझा कि आदिवासी विमर्श क्या चीज़ है इनका दुख क्या है और ये आदिवासी लोग कौन होते हैं ये क्यों हाशिए में चले गए हैं और बाकी शेष विश्व में किस तरह से जी रहे हैं हमारे भारत में किस तरह से जी रहे हैं और मुझे इतना ये पता था कि मैं भी एक आदिवासी इलाके जनजातीय इलाके से संबंध रखता हूँ तो क्या मैं भी मेरी कम्युनिटी भी उस उनमें से एक है क्या तो मैं कंपेयर करने लगा तो वहां से खिड़की छिड़की खुली और उस विमर्श में, में मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ सर आप जैसे कि आप नौकरी में थे तो नौकरी के साथ साथ ये लिखना मुश्किल काम है समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप लिखते हैं कोई भी चीज लिखते हैं तो आपका कविताओं में ही क्यों इंटरेस्ट हुआ आपने फिक्शन या कथाएं अगर कथाओं की बात करें तो उसमें आपका कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ आपने सिर्फ कविताओं पर ही इंटरेस्ट रहा आपका आपने खुद ही उत्तर दे दिया क्योंकि फिक्शन और कहानी का है ना कि उसमें वो टाइम टेकिंग है वो रचना प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है ख़ास करके उपन्यास तो बहुत लंबी होती है उसकी प्रक्रिया और बहुत टाइम लेता है एक उपन्यास बनने में और एक छोटी कथा कत, बनने में भी तीन चार पेज की कहानी तो होती है वो भी बहुत टाइम लेता है लेकिन कविता उसके मुकाबले में जो जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूँ वो एक विचार को एक बिंब के रूप में कागज़ पर उतार देना है और जो टेक्निक मुझे वो सुफुर्थ डायरी में से मेरी कविताएं निकल रही है तो गुरुजनों ने कहा कि ये कविता है मेरी पब्लिश भी होने लगी तो वो टाइम

जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो मेरे पिताजी हिंदी टीचर थे लैंग्वेज टीचर जो होते हैं स्कूल में वो हिंदी ही पढ़ाते थे हायर क्लासेज में प्राइमरी में तो नहीं हायर क्लासेज को पढ़ाते थे वो तो पिताजी ने ही हमें बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है चे. लेकिन जब हम वो दूसरी चीज़ें पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि मातृभाषा होती है उसकी परिभाषा है जो हमारी माँ बोलती है लेकिन मेरी माँ तो हिंदी नहीं बोलती थी उसको तो आती नहीं थी हिंदी वो पटनी भाषा बोलती थी मैं साथ में बता दूँ लाहौल में छः लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं छः विभिन्न आदिवासी भाषाएँ और हमें आपस में संपर्क भाषा के रूप में आपस में बात करने के लिए हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि हम एक दूसरे की भाषाएं ही समझ, समझ नहीं सकते नहीं। इतनी अलग क्योंकि लिंग्विस्टिक फैमिलीज ही अलग है ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं बर्मन है और इंडो यूरोपियन hmm. भी हैं जो हिंदी वाली फैमिली है तो तीन लैंग्वेज फैमिली की छः हमारी लिंग्विस्टिक hmm. ग्रुप से तो उसमें से एक पटनी है हमारी वो हमारी मुंडारी और ऑस्ट्रेशियाटिक से मिलती है अग्नि परिवार की भाषा hmm. है वो हाँ जी और उस विद टिपटनी इसीलिए आपसे जो है वो हिंदी भाषा भी जो है तो क्योंकि संपर्क भाषा थी और दूसरा कारण मेरे पिताजी हिंदी के टीचर थे तो ये था। वो संस्कार था परिवार का समय कम है हम आपसे बहुत सारी कविताएं सुनना चाहते थे पर समय की वो कमी के कारण अगली बार हम जो है आपकी और कविताएं सुनना चाहेंगे बाद में तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर ने बताया कि जिस तरह से इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी जो है भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा से अपनी संपर्क जैसे लोगों से संपर्क करना है तभी कहते हैं कि एक कविता एक ऐसा माध्यम हो सकता है कलम एक ऐसी माध्यम हो सकता है जिससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार